संयुक्त किसान मोर्चा की यात्रा। सीतापुर के हर गांव कस्बे की मेरठ से निकली किसान रैली का जत्था सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पहुंचा। किसानों के खिलाफ लाए गए 3 कानूनों के विरोध में सिख संगठन के अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क के नेतृत्व में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हर गांव पहुंचे, पर किसानों ने यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन भी किया। जसवीर सिंह विर्क ने कहा कि मोदी सरकार आज किसानों के विरोध में खड़ी है, सरकार द्वारा काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है, यह बात किसान 300 साल तक नहीं भूलने वाला। यह बात भाजपा को माननी होगी कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया और 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो परिणाम ठीक नहीं होंगे, सरकार को इसके अंजाम भुगतने होंगे, किसान चुप नहीं बैठने वाला। 164 दिन से यह सरकार विरोधी कार्यक्रम किसान हित में सतत चलाया जा रहा है, विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। ये जो किसान मजदूर रैली जो है निकली हुई है, ये कहाँ से निकली है और इसका क्या उद्देश्य है? ये किसान मजदूर जागृति रैली जो हम देखे 6 मार्च को रामराज मेरठ से चले थे और ये 27 मार्च शाम को गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पहुंचेगी। इसका मेन कारण ये है, हमें आज 114 दिन धरना देते देते दिल्ली में हो गए हैं। 12 बार की वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार आज भी तस से मस नहीं और अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। इधर आप देख रहे होंगे पिछले 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। इधर हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जगह जगह महापंचायतें की जा रहे हैं जिसमें लाखों के हिसाब से लोग किसान सब पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसी क्रम में ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये किसान मजदूर जागृति मार्च जो निकाला जा रहा है, ये जगह जगह जन जागरण तक यही चीज करने के लिए निकले हैं कि 3 काले कानून क्या है। एमएसपी की गारंटी जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले थी, है और रहेगी, तो वो तो आज भी आप लोग देख रहे हैं। आपके यहाँ भी धान 1100-1200 में बिका जबकि 1868 का रेट था। एमएसपी की गारंटी के लिए और ये 3 कानून निरस्त करवाने के लिए और जन जागरण को जन जन को जागृत करने के लिए ये रैली हम लोगों ने निकाली है जो 14 जनपदों से होते हुए अखीर वापस में जाकर दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद आपका सरकार अगर बात नहीं मानती है तो इसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, हम लोग किसान लोग हैं और किसान जितना भी अनाज पैदा करता है चाहे वो सारा बेच दे लेकिन अपने घर में साल भर के खाने का अनाज वो जरूर रखता है। पिछला अनाज अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, आगे अप्रैल में नया आ जाएगा। 1 साल की क्षमता हम लोगों के पास फिर है। ये 22 भी हम निपटाएंगे, अगर मोदी जी नहीं मानते तो 24 भी इनको साथ लेके ही वहां से वापस लौटेंगे। हम लोगों का ये किसान जो धरने पे बैठे हैं एक ये पक्का इरादा है कि जब तक ये 3 कानून निरस्त नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती। आज ये कह रहे हैं जी आप बिंदुवार वार्ता करें, अगर बिंदुवार वार्ता ना हुई होती तो ये जो 18 पॉइंट आज 18 बिंदु कह रहे हैं जी हम लोगों के निरस्त करने योग्य हैं, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें 18 बिंदु निरस्त करने योग्य हो और कानून निरस्त करने वाला ना हो? आज इसी बात की लड़ाई है, कानून निरस्त करिए, नया कानून बनाइए, किसानों को साथ बैठाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में। अगर ये इसी तरह से लंबा चलता रहा, इनको उम्मीद थी कि शायद ये बीच में किसान अक जाएंगे, थक जाएंगे, घरों को चले जाएंगे, कल में फूट पड़ जाएगी, लेकिन भगवान की दया से ना तो फूट पड़ी है। आज ये धीरे धीरे, पहले खाली पंजाब का था, फिर हरियाणा का हुआ, फिर राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, आज पूरा देश इसमें जो है आंदोलन में साथ में है। खाली देश नहीं, विदेशों में भी बहुत बार, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हर जगह हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों के फेवर में वहां भी जो है वो ऐसे जुलूस निकाले गए हैं। तो आज ये जन जागरण चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में है और जर्मनी ने तो यहां के इस आंदोलन को देखते हुए एमएसपी की गारंटी का वहां कानून बना दिया है, लेकिन हमारे धरने को देखते जर्मनी तो जग गया है लेकिन हमारी अपनी सरकार जागने को तैयार नहीं है। अभी उनके एक राज्यपाल जी हैं मलिक जी, उन्होंने भी कहा था किसान 300 साल तक नहीं भूलते हो, ये वापस नहीं आएंगे। आज अगर समय रहते ये सरकार जाग जाए तो इसका नुकसान होने से बच जाएगा, ये उनका राज्यपाल कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर आज भी सरकार इसको नहीं मानती है तो कल इसका नुकसान उठाने के लिए इस सरकार को तैयार रहना चाहिए। 90 साल आरएसएस ने मेहनत की और ये सरकार बनाई है, अगर ये किसानों के विरोध में ऐसे खड़ी रही तो मुझे लगता है 90 साल तक दोबारा भी ये सरकार जो है कभी पावर में नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह विर्क है जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सिख संगठन का, लेकिन इस समय जो ये रैली लेके चल रहा हूँ मैं संयुक्त मोर्चे का भी सदस्य हूँ और संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमारी ये रैली चल रही है। धन्यवाद।